बरेली के एक छोटे से गांव में रहने वाले नरेंद्र और उसकी पत्नी उर्मिला लकड़ी से अलग अलग चीजें बनाकर बाजार में बेचा करते थे, जिससे उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से वो अपनी बेटी उषा को कॉलेज में पढ़ाते थे। गरीबी के कारण वो अपनी बेटी को इतने अच्छे कपड़े और जूते नहीं पहना पाते थे, जिसकी वजह से कॉलेज में उषा के सीनियर उसकी रैकिंग करते थे, उसके कपड़े और जूते देखकर उसकी बेइज्जती करते थे। तो इतने बड़े कॉलेज में तुम पढ़ने आई हो, वो भी एक दो कौड़े की फॉर्म की चप्पल पहनकर। उषा को इन बातों का बहुत बुरा लगता था। वो घर आकर बहुत उदास हो जाती है। एक जगह पर अकेली बैठकर कहती है, एक ही चप्पल, बहुत सालों से मैं यही चप्पल पहनती आ रही हूँ। मेरी चप्पल में छेद भी हो चुका है, लेकिन मैं ये बात माँ पापा को बताऊंगी भी तो कैसे। वे लोग बड़ी मुश्किल से मुझे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ऊपर से मैं उनका और खर्चा नहीं बढ़ा सकती। लेकिन ये सारी बातें नरेंद्र चुपके से सुन लेता है। वह दुखी मन से सोचता हुआ अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ जाता है। उसे देखकर उर्मिला कहती है, क्या हुआ जी, आप को सोच रहे हैं? मैं अपनी बच्ची को दुनिया की हर एक चीज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह जाती है। आजकल लकड़ी का सामान भी इतना नहीं बिक रहा। ये सब सोचता हुआ नरेंद्र घर से निकल जाता है। चलते चलते वो एक तालाब के पास जाकर अकेला बैठ जाता है। कैसा पिता हूँ मैं, अपनी बेटी को अच्छे चप्पल तक नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए तालाब में एक पत्थर फेंकता है और तभी तालाब से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी की चमक से नरेंद्र अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। तभी उस रोशनी से एक आवाज आती है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। इच्छा पूर्ण हुई, पर कैसे? ये एक जादुई तालाब है। जो व्यक्ति पत्थर फेंकते हुए अपनी ख्वाहिश प्रकट करता है, मैं उसकी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम्हारी भी दुआ पूरी हुई। लेकिन वो कैसे? इस जादुई खंजर से तुम किसी भी लकड़ी को आकार दोगे तो वो लकड़ी से बनाई हुई चीज जादुई हो जाएगी, लेकिन ऐसा केवल एक ही बार हो सकता है। इसका किस तरह उपयोग करना है, ये तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर वो रोशनी तालाब के अंदर समा जाती है। नरेंद्र वो खंजर लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी बेटी उषा कॉलेज गई थी। इसी बीच नरेंद्र अपनी बेटी उषा के लिए लकड़ी की हाई हील्स बनाता है। वो हाई हील जादुई बन जाती है। उषा जब कॉलेज से घर आती है तो वो हाई हील नरेंद्र उषा को दे देता है। ये लो बेटी, अब तुम्हें अपने कॉलेज की लड़कियों से ताने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैंने अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से बनाया है। उषा नम आंखों से अपने पिता के गले लग जाती है। अगले दिन वो लकड़ी के जादुई हाई हील पहनकर कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में चलते चलते वो थक जाती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी यातायात के साधन का उपयोग करके कॉलेज जा सकूं। पैदल चलते चलते तो मैं रोज ही थक जाती हूं, लेकिन आज मैं ज्यादा थक गई हूं। देरी ना हो जाए कहीं, जल्दी जल्दी जाना होगा। उषा के इतना कहते ही उन जादुई हील से रोशनी आती है। पलक झपकते ही वो कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी होती है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अभी तक तो मैं कॉलेज से बहुत दूर रास्ते में थी। पलक झपकते ही मैं कॉलेज के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन ये जादू कैसे हुआ? ये सोचती हुई उषा अपने कदम बढ़ा रही थी। इतने में ही कॉलेज में उसके सीनियर उसके रैकिंग करते हैं। ओ हेमा मालिनी, इधर आ। ओहो, आज नई सैंडल पहन कर आई है, हाई हील्स पर डांस करके तो दिखा। उषा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उषा रोती हुई कहती है, काश ये सब मेरे दोस्त होते तो ये लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करते।
उषा के इतना कहते ही उसकी हाई हील से रोशनी आती है। उस रोशनी को देखकर उषा हैरान हो जाती है। ये रोशनी कैसे आ रही है? इतने में ही बाहर से उषा की एक सीनियर उषा के लिए चॉकलेट लाती है। ये लो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। हमारी दोस्ती की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए, इसलिए मैं चॉकलेट लाई हूँ। उषा मुस्कुराते हुए चॉकलेट ले लेती है। कॉलेज में जो सारे सीनियर कल तक उषा के रैगिंग करते थे, आज वो सभी उषा के दोस्त थे। लेकिन उषा को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये सब कैसे हुआ। उषा कॉलेज से अपने घर वापस जाती है। घर जाकर देखती है कि उषा की माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन उषा के पिता के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। तभी वो उदास मन से कहती है, काश मेरे पास इतने पैसे आ जाते कि मैं अपनी माँ की दवाइयाँ ला सकती। ठीक पहले की ही तरह उसके हाई हील से रोशनी आती है और उषा के बगल में ही पैसों की गड्डी रखी होती है। वो पैसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ये पैसे कहाँ से आए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, जिसके भी पैसे होंगे मैं बाद में लौटा दूंगी। मैं इन पैसों से माँ की दवाइयाँ ले आती हूँ। उषा उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद जब उषा कॉलेज से घर आती है तो वो देखती है कि उसके पिता सर पकड़कर अपने घर के बाहर बैठे थे। वो अपने पिता से पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटी, आज बेचने के लिए कुछ सामान नहीं बचा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि घर कैसे चलेगा। काश आपका लकड़ियों के सामान का बड़ा शोरूम होता। इतना कहते ही उसके पिता जिस स्थान पर लकड़ियों का काम करते थे, वो स्थान एक बड़े शोरूम में बदल गया। वो देखकर उसे और उसके पिता दोनों को बहुत हैरानी होती है। पिताजी, आजकल मैं जो भी बोलती हूँ वो सच हो जाता है, ये कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके पिता को अचानक उस दिन तालाब के पास वाली सारी बातें याद आ जाती है और वो उषा को सारी बात बताता है। पिताजी, उस रोशनी ने ये कहा था कि आप कुछ भी बनाएंगे वो जादुई हो जाएगी। आप चाहते तो इससे अपनी जरूरत का सामान बना सकते थे, लेकिन आपने मेरी जरूरतमंद हाई हील्स बनाकर मुझे पहनाई। सच में पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। इतना कहकर अपने पिता के गले लग जाती है। उसके पिता का शोरूम दिन दुगना रात चौगुना चलता है। पिताजी, ये जादुई हाई हील मैं किसी जरूरतमंद लड़की को दे दूंगी। लेकिन क्यों बेटी? वो इसलिए पिताजी, क्योंकि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। अब हम गरीब भी नहीं रहे, अब इसकी जरूरत किसी और को है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। तभी अंदर से उषा की माँ की आवाज आती है, अरे अब क्या बाप बेटी बातें ही करते रहोगे, अंदर आकर खाना खा लो। पिताजी, खाना खाते हैं, चलिए। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।